देहरादून के परेड ग्राउंड से धरना स्थल को अधोईवाला शिफ्ट करने के बाद परेड ग्राउंड में धरना देने की कोशिश कर रहे बेरोजगार संघ के 11 सदस्यों समेत 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि वहां से देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के सदस्य कई दिनों से परेड ग्राउंड में धरना दे रहे हैं। धरना स्थल शिफ्ट किए जाने के बाद प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि इसके बाद जो भी परेड ग्राउंड में धरना देते पाया गया उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बंद करो। रोजी रोटी दे ना सके। सरकार निकलती है। जो सरकार